एजुकेशन है, हेल्थ है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, फिर बच्चों के साथ की जब बात करते हैं, क्योंकि जब महिलाएं हैं उनके बच्चे अगर स्वस्थ नहीं हैं या सुरक्षित नहीं हैं तो हम उनके साथ कैसे काम करें। तो जो है मीनू स्कूल की जो स्थापना है वो हुई और फिर मदर्स की ट्रेनिंग शुरू की गई कि भी आपको अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सबसे पहली केयर गिवर मदर ही थी। और जैसे जैसे बच्चों में जब विकास होता देखा गया तो मदर को एज अ मदर उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लग गया और इसी कार्य को फिर आगे बढ़ाया गया। अक्सर ये होता है कि मेरा बच्चा दिव्यांग नहीं है, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी, लेकिन फिर भी हमारा संस्था से मतलब कार्यकर्ता आते थे और कार्यकर्ता मतलब मेरे बच्चे के संग काम करते, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट आते थे और मेरे बच्चे के संग अच्छा काम करते थे। उस टाइम मेरे को भी लगा कि हाँ मेरा बच्चा भी, और मेरे बच्चे में संस्था के कार्यकर्ता ने जैसे जैसे काम किया मेरे बच्चे में काफ़ी अच्छा विकास हुआ। मॉडरेट कैटेगरी से मेरा बच्चा माइल्ड कैटेगरी पर आ गया। उसके बाद मैंने उस बच्चे को मेन स्ट्रीम मीनू स्कूल चाचावास में करवाया। उसके बाद मेरे को ये लगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे में इतना अच्छा विकास है, तो मैं खुद इस संस्था से जुड़ी, 2012 में जुड़ी, आज मेरे को 12 साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए। और उसके जुड़ने के बाद मैं खुद आज CBR पद पर काम कर रही हूँ। क्योंकि संस्था का नाम है राजस्थान महिला कल्याण मंडल, तो हमारी पॉलिसीज में हमेशा ये रहा है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को दें। विशेष शिक्षिका के पद पर ज्वाइन होने के बाद भी मैंने काफ़ी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में सीखी है, ताकि मैं बच्चों के साथ कैसे बेहतर कार्य कर सकूं या अपनी प्रतिभा कैसे दिखा सकूं। और मतलब मेरे को हर चीज़ भी जो संस्था द्वारा इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहा, जिससे मैं अपनी शिक्षा का अभी तक भी निरंतर प्रयास कर रही हूँ और मेरा उत्साह हमेशा बना रहता है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल बालिका शिक्षा और ख़ास तौर से दिव्यांग बालिकाओं के लिए काम करती है, तो यहाँ ये बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि एक प्रश्न है पेरेंट्स के सामने कि वो किसी नॉन डिसेबल्ड बच्ची को पढ़ने भेज रहा है, वो भी बहुत बड़ा मुश्किल है, और कोई अगर दिव्यांग बच्ची है उसको भेज रहा है तो वो संभव ही नहीं है। 2000 से ज़्यादा दिव्यांगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें करीब करीब 42% से ज़्यादा हमारे पास गर्ल्स हैं, और वो अलग अलग स्टेज पे अपना जो उनका डेवलपमेंट स्टेज होता है उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो लाइवलीहुड का जो प्रोग्राम है उसमें मुख्य रूप से हम महिलाओं के साथ में काम करते हैं। अभी 425 SHG हम लोग चला रहे हैं, उसमें लगभग 6000 महिलाएं उससे जुड़ी हुई है। उनको हम अवेयर करते हैं, उनके जो हक हैं, अधिकार हैं, उनके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे हम उनको अवेयर करते हैं, उन पे बात करते हैं। बचत के बहाने हम लोग बहुत सारे सामाजिक जो इशू है उन पे हम लोग काम करते हैं। तक वुमेन बिजनेस में नहीं आएंगी या खुद एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं करेंगी और इकोनॉमिकली अपना इंडिपेंडेंस साबित नहीं करेंगी, तब तक जो एक समाज की जो धारा है या समाज की जो सोच है वो हम बदल नहीं पाएंगे।